उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में आज वार्ड 36 पीतल नगरी स्थित बैंकट हॉल में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के द्वारा वर्चुअल जनसभा के संबोधन को सुना। इस दौरान MLC गोपाल अंजान ने बताते हुए कहा, हमारी सरकार ने 5 सालों में महिला सशक्तिकरण व गरीब वंचित एवं सभी वर्गों के लिए काम किया है, सभी वर्गों के लिए योजनाएं चलाई हैं, हमारी पुनः सरकार आएगी। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा प्रिया अग्रवाल, मंडल अध्यक्ष हरीश प्रजापति, निवर्तमान मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह, मंडल प्रभारी मुकेश भारद्वाज पार्षद, रानी सैनी महानगर उपाध्यक्ष OBC मोर्चा R के भारत सैनी कुलदीप नारायण, प्रभात सक्सेना, आकांक्षा अंजान सहित अधिक संख्या में सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जी आज आप कहां पर हैं और क्या कार्यक्रम है? आज हमारे कटघर मंडल का पीतल नगरी क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी की वर्चुअल रैली है, जिसमें मेरे मुरादाबाद नगर से आज यहां कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे प्रत्याशी रितेश गुप्ता जी सहित हमारे मुरादाबाद के सभी 6 प्रत्याशियों के समर्थन में आज जनता का आह्वान करेंगे, उसी निमित्त यहाँ पर हमारा सबका एकत्रीकरण हुआ है। नगर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? नगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से 4 गुने अधिक मतों से जीतने वाली है। आम जनता के लिए क्या संदेश है? आम जनता से मेरा संदेश है कि आप सब लोग कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, जो हमारी सुदृढ़ व्यवस्था थी और उसको आगे इसी प्रकार चलती रहे, माफिया गुंडागर्दों पर हमारा बुलडोजर गरजता रहे, अनैतिकता अत्याचारी और बलात्कारी लोगों को जेल में भिजवाता रहूं, हमारी सरकार इसी निमित्त और गरीब जनमानस की हम सब लोग सेवा करते रहें।